जब ये पिछला वर्ष आरंभ हुआ, बहुत सी बातों को हमने सोचा होगा, बहुत सी योजनाओं को हमने बनाया होगा। उनमें से कुछ पूरी हुई, कुछ शायद नहीं हुई हो, या हो सकता है सब कुछ ही जो हमने सोचा हो, जैसा सोचा हो वैसा ही प्रभु ने हमें हमारे जीवन में पूरा कर दिया हो। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके जीवन में सब कुछ प्रभु ने पूरा किया जैसा उन्होंने सोचा था। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा तो बहुत कुछ था पर शायद कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा बहुत कुछ था पर उनमें से 50% चीज़ें हो गई पर 50% अभी भी रह गई। हालेलुया। हम जब वर्ष स्टार्ट होता है, नया साल आरंभ होने पर होता है, उससे पहले हम बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं, बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को लेते हैं ना कि हम अगले साल से ऐसा करेंगे। पहले दिन से हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि इस साल हमें ये काम करने हैं, ये प्लान्स हम करते हैं, पर कई बार चीज़ें जैसा हम प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, और कई बार जब हो जाती हैं तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। पर आज हम बात करेंगे कि जब हम योजनाएं बनाते हैं और चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा होता है या हमने प्लान किया होता है, तब हम कैसा रिएक्ट करते हैं, तब हमारा रिएक्शन कैसा होता है ना? होता क्या है, जब हम प्रभु के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ चल रहे होते हैं, हम बहुत उसके भय में चल रहे होते हैं, बहुत उसके प्रति फेथफुल होते हैं, तो हम प्रभु से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु हमारे प्रति भी पूरे फेथफुल हों। ऐसे ही है, हम ये चाहते हैं ना, अगर हम प्रभु के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं तो प्रभु भी हमारे प्रति पूरी ईमानदारी दिखाएं। और ये सिर्फ हम प्रभु के साथ ही नहीं करते, ये हम लोगों के साथ भी करते हैं। जब हम लोगों के साथ पूरे ईमानदार होते हैं, हम उनके लिए हर वक्त खड़े हुए होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे लिए हर वक्त क्या रहें, अवेलेबल रहें, खड़े रहें। ऐसे ही होता है, सबको उम्मीद होती है, मैं गलत तो नहीं कह रही, ऐसे ही होता है, ये ह्यूमन नेचर है। जब हम किसी के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे प्रति हर वक्त ईमानदार रहे। पर पता है, प्रभु के साथ ऐसा नहीं है और इवन लोगों के साथ भी ऐसा नहीं है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कई बार हम जिससे प्यार करते हैं, जिस पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, हम उसे टेस्ट भी कर लेते हैं। होता है ना ऐसा, कई बार जिससे हम बहुत प्यार करते हैं हम उसे टेस्ट कर लेते हैं कि देखते हैं क्या ये इस सिचुएशन में भी मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस सिचुएशन में भी मेरा साथ देगी या नहीं देगी। होता है ना ऐसा, हम सब ऐसा करते हैं। पता है, परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही करते हैं कभी कभी हमारे साथ। जब वो देख रहे होते हैं ना कि एक बच्चा बहुत ईमानदारी के साथ मेरी राहों पर चल रहा है, बहुत मेरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करता है, सारी मीटिंग्स अटेंड करता है मेरे साथ, मुझसे प्रार्थना करता है, मेरी उपस्थिति में बैठता है, मेरे गीत गाता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, तो पता है कई बार प्रभु हमें टेस्ट भी कर लेते हैं। वो देखना चाहते हैं, वो हमारे लेवल को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। जब भी वो हमें टेस्ट करते हैं तो साथ ही वो हमें अपग्रेड भी करते हैं ना। जब भी एग्जाम्स होते हैं, हम जब एग्ज़ाम देते हैं, हम पास होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन होता है, कुछ का जॉब हो जाता है, ऐसे ही होता है। हर एग्ज़ाम के बाद ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद उसी लेवल पर रहते हैं। ऐसा हुआ है कि फर्स्ट का क्लास का एग्ज़ाम दिया बच्चे ने और वो पास होने के बाद भी फर्स्ट क्लास में रह गया, ऐसा नहीं होता ना। हमेशा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आगे की ओर बढ़ा दिए जाते हैं। और ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी होता है। प्रभु हमें जब आगे लेकर जाना चाहते हैं, प्रभु जब हमें ज़्यादा बरकतों में लेकर जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो कई बार हमें टेस्ट कर लेते हैं। और आपको मालूम, वो लोग जो प्रभु के साथ चल ही नहीं रहे हैं, उनके लिए जो स्कीम है ना एग्ज़ाम देने वाली, वो शायद अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो उस दौड़ का हिस्सा ही नहीं है। जब वो प्रभु के साथ चल नहीं रहे तो प्रभु भी छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए नेक्स्ट लेवल तब आएगा जब तुम जिस लेवल पर अभी हो, यहाँ मैं चाहता हूँ कि तुम रहो, तुम उसके योग्य बन जाओगे। पर आज का वचन उन लोगों के लिए है जो प्रभु के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, और अगर नहीं भी चल पा रहे पर उनके मन में ये बात है कि वो प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलें, वो कोशिश करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि हम प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलें। तो आज का वचन ऐसे ही लोगों के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब जो आज इस मीटिंग से ज्वाइन है, हम सब ऐसे ही हैं।
और ये इस बात का जो प्रूफ है वो ये है कि आप सब आज की मीटिंग से ज्वाइन हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप प्रभु की बातों को सीखना चाहते हैं। तो आज का वचन हम सब के लिए है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 20 से 22 आयत तक। यहाँ लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ये बातें अय्यूब तब कह रहा है जब परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया कि शैतान अय्यूब को कष्टों से गुजारे, उसके पास जितनी भी बरकतें हैं वो उससे छीन ले। एक कॉन्वर्सेशन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो एक कॉन्वर्सेशन हम सब जानते हैं, कई बार हमने सुना है, परमेश्वर से परमेश्वर के सामने शैतान आता है और प्रभु पूछते हैं उससे कि तू कहाँ से आता है, तो वो बोलते हैं कि शैतान बोलता है कि मैं इधर उधर डोलता डालता आया हूँ। तो शैतान जो प्रभु होते हैं, परमेश्वर होते हैं, परमेश्वर कहते हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा कि वो कितना खरा है, कितना मेरा भय मानता है। तो पता है शत्रु बहुत तेज है, शत्रु कहता है कि वो तेरी बातें इसलिए मानता है क्योंकि तूने उसे बरकतें दे रखी हैं। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर को भरोसा होता है कि नहीं, मेरा जो बच्चा है वो मुझ पर इसलिए ही सिर्फ भरोसा नहीं रखा हुआ है क्योंकि मैंने उसे बरकत दे रखी है। इसलिए परमेश्वर शैतान से कहते हैं, ठीक है तू उसका नुकसान कर, तू उसकी ब्लेसिंग्स ले ले, तू उसे टेस्ट कर ले और फिर भी वो ईमानदार रहेगा। आपको मालूम, मेरे और आपके साथ भी प्रभु कभी कभी यही करते हैं। जब हम ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चल रहे होते हैं तो कई बार प्रभु हमारे साथ भी यही करते हैं, वो शैतान को अलाउ कर देते हैं, ठीक है जा इसकी बरकतें ले ले, है ना। पर पता है आपका और मेरा रिस्पॉन्स, जब हमारे पास बहुत सारी बरकतें होती हैं, जब सब कुछ बड़ा स्मूथ सा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, और जब चीज़ें हमसे छीननी आरंभ की जाती हैं, जब शायद थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, चाहे फाइनेंशियल रीति पर हो या और किसी रीति पर हो, हेल्थ की रीति पर हो, फैमिली में किसी को अगर कोई दिक्कत हो जाती है, पता है हम थोड़े से कहीं ना कहीं विश्वास में डगमगाने लगते हैं। हमारा रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होता जैसा अय्यूब का रिस्पॉन्स है। और प्रभु आज जबकि हम वर्ष के अंतिम दिन में हैं, हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है जब हमारे पास से कुछ आशीषें ले ली जाएं या हमारे जीवन में चीज़ें वैसे ना घटें जैसा कि हमने सोचा था कि वो घटेंगी। पता है अय्यूब ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिसके पास इतनी बरकतें हैं, जिसके पास प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, उससे कभी कुछ छीना भी जाएगा। आपको मालूम, मेरा और आपका नज़रिया क्या है? अगर हम किसी बहुत आशीषित व्यक्ति को देखते हैं, हम किसी बड़े प्रचारक को देखते हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो प्रभु के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ चल रहा होता है, हम देख रहे होते हैं उसके पास सब कुछ है, और पता है जब उसके पास से एकदम से धीमे धीमे चीज़ें गायब होने लगती हैं, उससे ख़त्म होने लगती हैं उसके पास से वो बरकतें, पता है आप और मैं कैसे रिएक्ट करते हैं? पाप किया होगा इसने, कुछ गड़बड़ी की होगी इसने, शायद इसलिए इसकी बरकतें खुदा ले रहा है, ऐसे ही सोचते हैं आप और मैं, है ना। हम सोचने लगते हैं, अरे इसने कुछ गलत किया होगा, कुछ तो पाप किया ही किया होगा, तभी इसकी बरकतें इससे छीन ली जा रही हैं, क्योंकि ये मनुष्य की सोच है, मनुष्य का देखना शायद ऐसा ही है। पर पता है प्रभु जो है, प्रभु कुछ अद्भुत कर रहे होते हैं कभी कभी, प्रभु हमें टेस्ट कर रहे होते हैं, प्रभु देख रहे होते हैं मेरा बच्चा क्या इस सिचुएशन में भी मेरे प्रति ईमानदार रहेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा जब उससे ये सारी बरकतें मैं छीन लूंगा, क्या ये फिर भी उतना ही ईमानदार रहेगा जितना ये तब है जब मैं इसको सारी बरकतें देता हूँ। पता है अय्यूब सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है, जब मुझे ऐसा लग रहा होता है कि शायद चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, जैसे मैंने प्लान किया था वैसा नहीं हो रहा है, जो मैंने शायद प्रभु से मांगा प्रभु मुझे वो नहीं दे रहे हैं, तो मैं फिर अय्यूब के बारे में सोचने लगती हूँ कि अय्यूब कितना खरा था कि प्रभु उसके बारे में कह रहे थे कि देख ये मेरा वो दास है जो खरा है। और हम तो शायद उतने खरे भी नहीं हो पाते कभी, हमसे बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत से पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं, पर हमें अय्यूब के जीवन से सीखने की ज़रूरत है कि उसने कैसा रिस्पॉन्ड किया, उसने कैसा रिएक्ट किया जब उससे सारी चीज़ें एकदम से ले ली गई, पता है एक एक करके ख़त्म कर दी गई सब कुछ। हमारे साथ तब भी प्रभु बहुत शायद हम्बल रहते हैं, बहुत
हमारे साथ दीन रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है थोड़ा थोड़ा करके लूंगा। पता है अय्यूब के साथ एक साथ सारी चीजें अय्यूब के जीवन से ले ली गई, सिर्फ उसकी हेल्थ को छोड़ दिया गया, उसकी देह को छोड़ दिया गया, सब कुछ उसका छीना गया। पर पता है उसके बाद भी अय्यूब इतनी खूबसूरती के साथ जवाब दे रहा है, इतना खूबसूरत उसका रिएक्शन है। जब मैं उसके रिएक्शन को पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि प्रभु क्या मैं कभी इस लेवल पर रिएक्ट कर पाऊंगी। पता है अय्यूब के बारे में लिखा है कि जब अय्यूब को मालूम चला कि उससे सब कुछ छीन लिया गया है, सब कुछ उजड़ गया है उसका, तो उसके बारे में लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागाफार सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। पता है इतना सब कुछ होने के बाद भी अय्यूब ने क्या करा, अय्यूब ने परमेश्वर को दंडवत किया। और आपको मालूम है और आप क्या करेंगे, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाएगी ना, हम चिड़चिड़ाने लगेंगे, कुड़कुड़ाने लगेंगे, हम सोचेंगे कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। प्रभु के पास तो शायद बहुत समय बाद जब याद आएगा, होश में आएंगे उस दुख से बाहर निकलकर, तब हम प्रभु के पास जाएंगे। पर पता है ये व्यक्ति अय्यूब तुरंत, क्योंकि वो जानता था, वो प्रभु के साथ इतना अटैच था, उसे मालूम था मेरी बरकतों का स्रोत प्रभु है, मेरी सारी बरकतें स्वर्ग से आती हैं, इसलिए वो तुरंत उठकर उसने प्रभु को ही दंडवत किया और उसने कहा एक अद्भुत बात को कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। इस सिचुएशन में भी वो प्रभु को प्रेस कर रहा है। मैं सोच नहीं सकती कि आप और मैं शायद कभी ऐसा रिएक्ट करेंगे, जब हम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़े से हम बीमार हो जाते हैं, दिनों की प्रार्थना गायब हो जाती है, 2 घंटे प्रार्थना कर रहे होते ना बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर बिस्तर में चाहे लेटे रहें घंटों पर प्रार्थना नहीं करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि प्रभु की आराधना भी करनी है। पर पता है इसके पास से सब कुछ छिन गया, फिर भी ये प्रभु को धन्य कह रहा है, प्रभु के नाम को धन्य कह रहा है, बैठ गया, दंडवत कर दिया प्रभु के आगे, क्योंकि वो जानता था कि सब कुछ का देने वाला प्रभु है। उसका भरोसा शायद मनुष्य पर नहीं था, उसके जहन में ये बात रहती होगी हर वक्त, तभी वो कह पाया। अगर उसके जहन में परमेश्वर यहोवा नहीं होता तो शायद वो और चीजों पर ध्यान लगाता, वो सॉल्यूशंस को ढूंढता। पर पता है अद्भुत बात क्या है, अय्यूब परमेश्वर के साथ इतना बना हुआ था, वो हर वक्त उसकी उपस्थिति में चला फिरा करता होगा, उसके साथ बना रहता होगा, कनेक्शन में रहता होगा, तभी जब ऐसा सब कुछ हुआ वो एकदम से इंस्टेंटली कहने पाया कि यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। और इसके बाद और खूबसूरत बात लिखी, यहाँ लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। आप और मैं पता है कई बार क्या करते हैं, अरे परमेश्वर ऐसा क्यों कर दिया आपने, करते हैं ना, प्रभु क्यों हो रहा है ऐसा, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे, मुझे बता, कर देते हैं ना जाने अनजाने में, कई बार हो जाता है। पर हम बड़ी पिक्चर को नहीं देख पाते, जैसा मनुष्य का स्वभाव है वो नहीं देख पाता कि अगर प्रभु कुछ बरकतों को छीन रहे हैं तो हो सकता है वो हमें टेस्ट कर रहे हों। और प्रभु भी बहुत अद्भुत हैं, प्रभु भी जाने देते हैं हमें परेशानियों से, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है, वो भी देखना चाहते हैं। और इसके बाद भी, इस सारी ब्लेसिंग्स को छीनने के बाद भी प्रभु ने उसको और ज्यादा दुख में जाने दिया। हम सब जानते हैं कि शैतान फिर आया परमेश्वर के सामने, क्या कहता है कि देख तूने उसकी बरकतें ले ली, परमेश्वर कहते हैं देख मैंने सारी बरकतें ले ली हैं इससे, ये फिर भी मेरे प्रति ईमानदार है। पर पता है शैतान क्या कहता है, कहता है अरे तूने अभी उसकी देह पे कुछ नहीं किया, मांस के बदले मांस, लहू के बदले लहू, है ना, इसलिए अय्यूब तेरे साथ अभी भी ईमानदारी से खड़ा हुआ है। तब प्रभु कहते हैं ठीक है जा तू सब कुछ कर ले और उसके प्राण को छोड़ देना। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि अय्यूब के पूरे शरीर पर फोड़े आए और बहुत सारी बीमारी तकलीफ उसके जीवन में आ गई। और यहाँ तक वो पीड़ा से गुजरा कि उसकी पत्नी ने उसको एक बात कही, हम पढ़ेंगे अय्यूब उसका 2 अध्याय और उसकी 7-10 वर्स तक, यहाँ लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। क्या कह रही है उसकी पत्नी कि तू इतनी तकलीफ से गुजर रहा है, तू चाहे तो मर जा पर परमेश्वर की निंदा कर,
कल मेरी एक बहन से बात हो रही थी, मैं उनको बोलने लगी क्योंकि वो शायद बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रही हैं, पर वो एक व्यक्ति को माफ़ नहीं कर रही हैं। तो मैंने उनको बोला आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगी। मैंने कहा प्लीज़ कर दीजिए, आपको माफ़ करना होगा वरना ये जो सिचुएशन है ये शायद कभी ठीक ना हो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं बस यही नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा आपके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर आप माफ़ नहीं करेंगी, आपकी देह पर आ जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि देह पर तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, मैं और इससे ज़्यादा क्या वर्स्ट सिचुएशन में जाऊँगी। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा आप फिर भी बहुत धन्य हैं, अभी परमेश्वर ने आपको, जबकि आप माफ़ नहीं कर रही किसी को, आप पाप पर पाप में हैं, आप गलती में, फिर भी परमेश्वर ने आपको इतना संभाल रखा है कि आपके शायद शरीर पर फोड़े नहीं हैं, शायद आपको कुछ लेकर खुजलाना नहीं पड़ रहा, आप चल फिर पा रही, सारा काम कर पा रही हैं। पर आप अय्यूब के जीवन को देखिए, वो खरा था, उसके बाद भी उसके ऊपर इतनी परेशानियां आ गई और फिर भी वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। पता है आपके और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम सिर्फ और सिर्फ वो करना चाहते हैं जो हमें सही लगता है ना। वो लेडी कहने लगी मुझसे कि मैं माफ़ नहीं करूंगी, और इतनी सी तकलीफ में वो ये कह रही थी कि ये तकलीफ क्या कम है मेरे जीवन में जो अभी हो रखी है, उसमें वो कुड़कुड़ा रही थी, जबकि गलती उनकी खुद की है, वो माफ़ नहीं कर रही क्योंकि उनके जीवन में इसलिए सारी चीज़ें ओपन हो रखी हैं, सारी बीमारियां उनके जीवन में इसलिए आ रखी क्योंकि उन्होंने माफ़ नहीं किया है, वो उस गलती में बनी हुई हैं। पर हमें अय्यूब से सीखने की ज़रूरत है, वो इतना खरा था, सब कुछ ठीक कर रहा था, और उसके बाद प्रभु ने उसको इतना इस लेवल तक टेस्ट किया कि उसके शरीर पर सारी चीज़ें आ गई, फोड़े हो गए, और तब भी, और उसकी पत्नी उससे कह रही है कि तू निंदा कर दे परमेश्वर की, है ना। कई बार हमारे सामने सिचुएशन आती है जब चीज़ें खराब होने लगती हैं, तो कोई हमसे डायरेक्टली ये तो भले ना कहे कि परमेश्वर को छोड़ दे, पर पता है क्या कहा जाता है, और कर परमेश्वर की सेवा। क्या मिला परमेश्वर की सेवा करके, यही मिला कहा जाता है ना, होता है ना ऐसा, क्या मिला। तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, पर पता है अय्यूब के पास बहुत सुंदर उत्तर था। उसने कहा, उसने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, अद्भुत बात है ना। इतने पेन से गुजरने के बाद भी अय्यूब परमेश्वर के साथ बना हुआ है, वो नहीं कह रहा कि प्रभु ने कुछ गलत किया है। और आगे भी जब हम पढ़ेंगे इस पूरी बुक को, उसने अपने दोस्तों के को भी कुछ नहीं कहा। और हम और आप कैसे हैं, हमें थोड़ा सा कोई कुछ कह दे, हम बहुत कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ जाए हम बहुत कुछ कहने के लिए तैयार हैं। पर मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है, जब हम उस नए वर्ष में कल से एंटर कर जाएंगे, तो एक बात को आप याद रखें, जब आपके पास से बरकतें जानी आरंभ हो, तो हमेशा पॉजिटिव वे में रिएक्ट करें, क्योंकि देने वाला भी परमेश्वर है, लेने वाला भी परमेश्वर है, तो क्यों ना उसके सामने ही जाएं, क्यों ना उसका ही धन्यवाद करें। जो अद्भुत बात है अय्यूब के जीवन से, वो ये है कि उसने सारी परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, वो उसके साथ बना रहा, वो हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद दे रहा था, प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। सोचकर देखिए, कोई मनुष्य आपके साथ इतना बुरा कर दे, अगर हम परमेश्वर के स्थान पर किसी मनुष्य को रख दें और वो मनुष्य आपके साथ सब कुछ बुरा करे, आपको ऐसा लगने लगे ओह कितनी तकलीफ ये मुझे दे रहा है, तो क्या हम उस मनुष्य के प्रति फेथफुल रह पाएंगे, चाहे फिर वो कितना ही प्यार क्यों ना करता हो, कितना भी कह ले कि मुझसे बहुत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि उसके जो एक्शंस है ना, वो हमें दिखा रहे होंगे कि हमसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि हमें तकलीफ में डाल रहा है। और हम शायद बहुत कुछ कह देंगे उससे, पर अय्यूब जानता था, पता है क्या जानता था वो, मेरे साथ निकालिए अय्यूब उसका 19 अध्याय और उसकी 25वीं आयत, यहाँ लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, आनंदित करने वाली बात है। पता है अय्यूब क्यों इन परिस्थितियों में भी चुपचाप रहा, क्यों वो स्थिरता के साथ बना रहा, क्यों वो शांत रहा और परमेश्वर के साथ बना रहा, क्योंकि वो जानता था, उसको ये बात पता थी। वो कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। क्या आपको और मुझे विश्वास है,
जब तकलीफें हमारे जीवन में आती, जब चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती, क्या तब हम ये विश्वास रखने वाते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो अंत में मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, चाहे आज चीजें वैसी ना दिख रही हों, ऐसी प्लान की गई हैं, चाहे प्रभु हमें आज वो ना दे रहे हों जो हमने उससे मांगा है, पर क्या हम ये विश्वास रख पाते हैं कि प्रभु सब कुछ एक दिन हमारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। अगर नहीं कर पाते हैं तो आज से करना आरंभ करें। हो सकता है पिछले पूरे वर्ष में बहुत सारी चीजों से आप गुजरे हों, आपको जो चीजें आपके साथ हुई आपने शायद कभी एक्सपेक्ट ना किया, हो सकता है बीमार रहे हों, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस आए हों, हो सकता है और भी तरीके की परेशानियां आपके जीवन में आई हों, और कहीं ना कहीं आपका फेथ कम हुआ हो, कहीं ना कहीं वो संगति जो प्रभु के साथ होनी चाहिए थी वो कम हुई हो। पर मैं आज आपसे कहना मांगती हूँ कि अपनी संगति को प्रभु के साथ कम ना करें, प्रभु के साथ बने रहें, उसको हर हालात में उसका धन्यवाद करें, इस बात पर विश्वास रखें कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है, आपके पास एक बड़ी आशा है। पता है लोगों के पास आज आशा नहीं है, उन्हें नहीं मालूम है कि कोई है जो उनके लिए सब कुछ कर सकता है, पर आपके और मेरे पास आशा है। हमें मालूम है कि अरे आज भले नहीं है पर कल जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है हम वो जनरेशन है, हम वो लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमें ये विश्वास है कि ठीक है अगर आज थोड़ा कम भी है तो प्रभु कल देगा, और यही बात हमें आनंदित करती है, यही बात हमें हर परिस्थिति से गुजर जाने में सहायता करती है। जब नहीं भी मिलता ना उतना, फिर भी हम कह पाते अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, कहते हैं ना सब हो जाएगा। पता है इसलिए कहने पाते हैं क्योंकि हमें मालूम है हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, वो सब कुछ करेगा। अगर आज कुछ बरकतें छीन ली गई हैं आपसे, छीन ली गई हैं आपके जीवन से, खत्म हो गई हैं, तो आप विश्वास रखिए प्रभु पर। अगर आपको लग रहा है कि शायद प्रभु टेस्ट कर रहे हैं मुझे, मैं बहुत ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चला हूँ लेकिन फिर भी चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए, तो विश्वास रखिए अय्यूब की तरह। और आपको मालूम हो सकता है हमें ये लगे कि अरे सिस्टर आप कैसी बात कर रही हैं, अय्यूब के साथ कहाँ है परमेश्वर, इतनी तकलीफें उसके जीवन में हैं, कहाँ हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर अय्यूब के साथ है। पर मैं आपको मालूम एक बात बताऊं, अगर परमेश्वर अय्यूब के साथ नहीं होते तो परमेश्वर ने जो अय्यूब को वो दुगनी बरकतें दी वो कभी प्राप्त नहीं करता। हालेलुया। पता है परमेश्वर अय्यूब के साथ थे, और इस बात का प्रमाण ये है कि अय्यूब ने जो बात कही ना कि अंत में मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होगा, परमेश्वर ने उन शब्दों को भी पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के साथ थे। उन कठिन स्थितियों से जब अय्यूब जा रहा था ना, जब उसे पेन हो रहा था, तब भी परमेश्वर उसके साथ थे। आपको क्या लगता है कि आपकी देह पे इतनी तकलीफ आएगी और आप अगर प्रभु आपके साथ नहीं होंगे तो आप सहन कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के साथ थे, इसलिए वो इन तकलीफों में भी कहने पाया कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर उसके पास ही रहते होंगे, परमेश्वर उसकी सहायता करते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप तकलीफों से गुजरेंगे तो आप ये ना सोचें कि आप अकेले होंगे, जब आप बीमारियों से गुजर रहे होते हैं आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, परमेश्वर वही होते हैं, बस परमेश्वर टेस्ट कर रहे होते हैं, परमेश्वर देख रहे होते हैं कि ये इस तकलीफ में भी मेरे साथ ईमानदार रहेगा या नहीं रहेगा, जब सब कुछ छीन लिया जाएगा फिर भी ये ईमानदार रहेगा या नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु सचमुच महान है, प्रभु ने अय्यूब को छोड़ा नहीं उस सिचुएशन में भी, और इस बात का प्रमाण ये है कि परमेश्वर ने अंत में उसे दुगनी आशीषों से भर दिया, सब कुछ दुगना उसे लौटा दिया। अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं होते तो अय्यूब की कहानी शायद वहीं अंत हो जाती। हालेलुया। शायद फिर अय्यूब उन डबल ब्लेसिंग्स को कभी रिसीव नहीं करता। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि जब जब प्रभु हमें टेस्ट करते हैं तब तब प्रभु हमें नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाते हैं। हालेलुया। अगर आज आप इस फेज से गुजर रहे हैं, आप टेस्टिंग से गुजर रहे हैं, तो इस बात पर विश्वास रखिए कि प्रभु जरूर कुछ अद्भुत आपके जीवन में करने पर हैं। आइए हम एक और आयत को परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, अय्यूब उसका 42 चैप्टर। और उसकी 12th वर्स यहाँ लिखा है, 10th और 12th वर्स यहाँ लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। हालेलुया। क्या लिखा है, प्रभु ने परमेश्वर यहोवा ने
अय्यूब को उसके पहले के दिनों से ज्यादा आशीष से कब दी? बाद के दिनों में दी। प्रभु ने सब कुछ लौटा दिया जब प्रभु ने देख लिया ना कि ये इन तकलीफों में भी मेरे साथ ईमानदार बना हुआ है, तब प्रभु ने उसे और बरकतें दी। हालेलुया। कई बार ऐसे ही होता है, आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है जब वो चलना सीख रहा होता है तो उसके मम्मी पापा उसको बुलाते हैं, आओ इधर आओ, है ना? ऐसे ही होता है ना, छोटा बच्चा अगर सामने है, उनका माँ बाप का बच्चा छोटा सा, वो सामने है, वो चलना नहीं जानता, तो बच्चे माँ बाप क्या कहते हैं, आओ मेरे पास आओ, दौड़ कर आओ, है ना? वो छोड़ देते हैं उसे, उन्हें पता है कि शायद वो गिर भी जाएगा, पर उन्हें ये भी मालूम है कि शायद जब वो चलेगा, जब वो चलना आरम्भ करेगा तभी वो मेरे पास आ पाएगा, तभी वो चलना सीख पाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। पर इसका क्या मतलब है? क्या वो बच्चा माँ बाप से प्यार नहीं करता या माँ बाप बच्चे से प्यार नहीं करते? दोनों करते हैं ना एक दूसरे से प्यार। पर अद्भुत बात क्या है, माँ बाप छोड़ देते हैं फिर भी, ठीक है जब इस सिचुएशन से गुजरेगा तब चलना सीखेगा। परमेश्वर भी ऐसे ही है, कई बार वो आपको और मुझे टेस्ट करेंगे एकदम इसी लेवल पर जितना अय्यूब है, जिस लेवल पर प्रभु ने अय्यूब को टेस्ट किया, पर उसके बाद हमारे लिए ही अद्भुत काम होगा, होगा ना? जैसे वो छोटा बच्चा चलना सीख जाता है, ऐसे ही मैं और आप हर परिस्थिति में खड़ा रहना सीख जाएंगे, और जब हम उन परिस्थितियों से खड़े निकलेंगे तब हम दूसरों के लिए बरकत का कारण होने पाएंगे, तब हम दूसरों की सिचुएशंस में भी उनकी सहायता कर पाएंगे कि ठीक है कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं भाई, अगर तुम आज इन सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप उन्हें कहने पाओगे कि मैं भी गुजरा हूँ, मैं भी गुजरी हूँ, पर मैं ये जानती हूँ, मैं कह सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करेंगे। आप उन्हें आशा देने पाएंगे, आप उन्हें होप देने पाएंगे। इसलिए अगर आप ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आपको बस एक ही काम करना है, आपको क्या करना है, आपको उसकी आराधना करनी है, आपको उसका साथ देना है, आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु बरकत दे या ना दे, मैं फिर भी तेरी प्रशंसा करूँगा, मैं फिर भी तेरी आराधना करूँगा। हबक्कूक की पुस्तक में एक अद्भुत बात लिखी है, मुझे बहुत पसंद है ये वर्स, जब उसका 3 अध्याय और उसकी 17, 18 और 19 आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हरनी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं परमेश्वर के वचन में, क्या कह रहा है ये प्रभु का दास, कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल लगे ना लगे, यानी कि किसी भी वृक्ष में जो फल देने वाला हो उसमें फल लगे ना लगे, चाहे प्रभु मुझे बरकत दे ना दे, पर फिर भी क्या कह रहा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। आपका और मेरा आनंद इन बातों में नहीं होना चाहिए कि प्रभु मुझे बरकत दे रहा है इसलिए मैं उसमें अति मगन और अति आनंदित हूँ, वरन मेरा आनंद ये होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ इसलिए मैं उसमें अति आनंदित रहूंगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है इसलिए मैं अति आनंदित रहूंगा। आप मुझे बताइए, कोई और है जिसने अपने पुत्र को आपके लिए भेज दिया हो, जिसने सारा दुख जो शायद आप डिजर्व करते थे अपने ऊपर ले लिया हो, कोई और है? अरे लोग तो आज कल हमारे लिए कुछ भी नहीं करना चाहते जब तक कि हम उनके लिए कुछ करने योग्य ना हो, पर मेरा परमेश्वर यहोवा ही सिर्फ ऐसा है जिसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और पुत्र भी इतना ईमानदार हैं, यीशु मसीह इतने ईमानदार हैं कि उन्होंने सब कुछ हमारे लिए सह लिया, तो हम क्यों नहीं उसके प्रति ईमानदार हो सकते, हम क्यों ना उसकी आराधना करें, हम क्यों ना उसमें अति आनंदित और मगन रहें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जब हम उसमें अति आनंदित और मगन रहेंगे चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हों, तब परमेश्वर यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा कर देगा, क्योंकि यहोवा किसी का कर्ज नहीं रखता, किसी का कर्जदार नहीं है। जब आप उसके साथ बने रहेंगे हर परिस्थिति में, उसके उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, तब वो आपको ब्लेस करेगा। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु पिछले पूरे वर्ष के लिए। पिता सचमुच पिता, हमने बहुत सारी बरकतों को आपकी इस जीवन में पाया है, हमने पिछले पूरे वर्ष में प्रभु आपके साथ को देखा है, हमने जाना प्रभु कि लोग भले हमें छोड़ दें पर प्रभु आप हमारे साथ बने रहते हैं। ओ प्रभु, आपने बचपन से लेके इस समय तक
आज तक हमें संभाला है पिता। बहुत से लोग आए प्रभु, बहुत से लोगों ने प्रेम जताया परमेश्वर, बहुत से लोगों ने बहुत से वायदे किए पिता, पर प्रभु हमने ये जाना है कि सब छोड़ जाते हैं, सब धोखा दे देते हैं, सब तकलीफ दे देते हैं प्रभु, पर सिर्फ आप हैं परमेश्वर जो हमारे साथ हर परिस्थिति में, हर हालात में बने रहते हैं। ओ प्रभु, आप तो हमें जब टेस्ट भी करते हैं तब भी हमारी भलाई के लिए होता है परमेश्वर, वो भी इसलिए होता है ताकि आप हमें और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, और बरकतों को आप हमें दें। परमेश्वर, आपके लोगों को मैं इस वक्त में आपके हाथों में सौंप रही हूँ पिता, चाहती हूँ आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। अगर इनके जीवन में प्रभु कोई भी ऐसी बात है परमेश्वर जिसके कारण से ये आज परेशान है, जब इन्हें लग रहा है प्रभु कि शायद वो चीज़ें जैसी इन्होंने प्लान की थी नहीं हो पाई हैं, परमेश्वर आज से ये आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आप में मगन होना आरंभ करें परमेश्वर, ताकि पिता आप उन बरकतों को इनके लिए ओपन करने पाए, ताकि आप देखने पाए प्रभु इनके जीवन से कि ये आपके प्रति ईमानदार बने हुए हैं, चाहे हालात कैसे भी क्यों नहीं है पर प्रभु ये आपके प्रति ईमानदार हैं। परमेश्वर चाहती हूँ आप हर एक को ईमानदारी का हृदय दें परमेश्वर, आप हर एक को प्रभु अपने प्रेम से भरें पिता, अपने सामर्थ्य से भरें पिता, ताकि प्रभु ये आपके प्रति ईमानदार रहें, अपनी जील से भरें परमेश्वर आपके प्रति। प्रभु इस नए वर्ष में जब हम एंटर होंगे, चाहती हूँ पिता हम में से हर एक जन प्रभु, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे बरकतें मिले ना मिले परमेश्वर, चाहे चीज़ें वैसी हो या ना हो जैसी हमने सोची थी, हम बस प्रभु एक काम कभी ना भूलें, हम प्रभु आपकी आराधना सर्वदा करते रहें। परमेश्वर आप हमें ऐसा मन दें, ऐसा अपने प्रेम से भरें, अय्यूब जैसा मन परमेश्वर आप हमें प्रदान करें, ताकि हम भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो ये कहने पाए कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। परमेश्वर आप हर एक को ब्लेस करें, सबको अपनी दुगनी आशीषों से भरें पिता, आपके नाम से हम सबको ब्लेस करते हैं। एक नई शुरुआत प्रभु हम आपसे मांगते हैं इनके जीवनों के लिए, आपसे प्रभु ये परिस्थितियों को देखकर निराश ना हो, वरन पिता ये अय्यूब की मानिन जब इनके पास कुछ भी ना हो तब भी प्रभु ये आपकी आराधना करें, आपके आगे दंडवत करें परमेश्वर, ये हर एक परिस्थिति में प्रभु सर्वप्रथम आपके पास आने पाए। प्रभु हर एक बात में आदर महिमा हम आपको देते और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।